हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम दो कलर से मैट बनाएंगे, बहुत ही सुंदर सा मैट बनाएंगे। और ये हमारे पास देखिए पुरानी चुन्नी साड़ी, उससे आप पट्टियाँ काट लें, इस तरह से इतनी चौड़ी आप पट्टी काट लें। और पुरानी चुन्नी और साड़ी का बहुत ही अच्छा यूज है, उससे हम बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा डोरमैट। ये मैं दो कलर में बनाऊँगी, आप सिंगल कलर में भी इसे बना सकते हैं, डबल कलर में भी बना सकते हैं। तो उसके लिए चलिए हम फंदे डाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 8 नंबर के नीडल्स ले लिए हैं और उसके लिए हम यहाँ पर 12 फंदे डाल लेंगे। पहले देखिए हम यहाँ पर एक नोट बनाएंगे, इस तरह से हम यहाँ नोट बनाएंगे, ऐसे देखिए ऐसे। इसे हमें टाइट बिल्कुल भी नहीं डालना है। ऐसे। और देखिए पहले हम इस फंदे को ऐसे डालेंगे और इस पट्टी को ऐसे निकाल देंगे, ऐसे, ठीक है। देखिए एक ये हमारे 3 फंदे हो गए, 4, 5, 6। देखिए ऐसे लूज डालने हैं थोड़े से, हमें बिल्कुल भी टाइट फंदे नहीं डालेंगे हम। सात, और ये 8, देखिए ऐसे ऐसे डालेंगे, ये 3, 6 और 2, 8, ये 9 और ये 10, 10, देखिए ऐसे 10, और ये 11, ऐसे 11, और 1, 12, ऐसे। ऐसे ये 12 फंदे हो गए हमारे, देखिए इस तरह से हमने इसमें 12 फंदे डाल लिए। देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12, 12 फंदे डालने के बाद देखिए हमें इस रो को उल्टा उल्टा बुन लेना है, ऐसे ऐसे उतारेंगे। पूरी रो हमें उल्टा उल्टा बुन लेनी है। उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये सेकंड रो भी हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, ऐसे इस फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे, ऐसे। और पूरी रो उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो चलिए पूरी रो उल्टा उल्टा बुन। देखिए यहाँ पर ये मैंने 2 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा कलर लगाएंगे, ये वाला ग्रीन कलर लगाएंगे, ऐसे। और यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, ऐसे ऐसे। और इसको हम साथ में दबाते हुए चलेंगे, ऐसे।
दबा लेंगे इस फंदे को और इस पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। और यहाँ पर हम ये दो फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और वापस यहीं से मुड़ जाएंगे। फिर इस पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 12 फंदे से बनाया है। आप इसे अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो और भी फंदे ले सकते हैं। इसमें आप जैसे मैंने 12 लिए हैं, आप 14, 16, 18 इस तरह से ही फंदे लें। देखिए जो फंदा हमने बढ़ाया था, इस फंदे को भी हम ऐसे बना लेंगे ऐसे, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर टाइट कर लेंगे येलो धागे को ऐसे। देखिए फिर से हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे और ऐसे निकाल लेंगे और पूरी रो उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे। और देखिए दो फंदे फिर से बिना बुने छोड़ेंगे और यहीं से पलट जाएंगे ऐसे। और ये रो हमें पूरा उल्टा उल्टा बुन लेनी है। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स ये मैट बनाना। आप इसे बड़ा बनाना चाहें तो ज़्यादा फंदे डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा बन के आएगा। और पुरानी साड़ी चुन्नी आपके पास जो भी है आप उससे ही बना सकते हैं सुंदर सा डोरमैट। देखिए आप इसे पूजा मैट में यूज कीजिए, डोरमैट, टेबल मैट, कहीं पे भी यूज करेंगे तो बहुत ही सुंदर सा हमारा मैट बन के आएगा। तो देखिए हम एक फंदा यहाँ पर फिर से बढ़ाएंगे ऐसे, नीचे से पट्टी को निकालेंगे और ऐसे फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे और इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे ऐसे। देखिए दो फंदे हम यहाँ पर बिना बुने फिर से छोड़ देंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे ऐसे। देखिए हमने यहाँ पर 3 फंदे बढ़ा लिए हैं और यहाँ पर 6 फंदे छोड़ दिए हैं। 2, 4, 6 फंदे छोड़ दिए हैं। ये मैंने 12 फंदे डाले थे तो यहाँ पर 6 फंदे छोड़ दिए और 6 फंदे हमारे यहाँ पर बच गए और 3 फंदे मैंने यहाँ पर बढ़ा लिए। जिस तरह से आप यहाँ पर फंदे छोड़ेंगे उतने ही फंदे आप यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अगर आप इसमें ज़्यादा फंदे डालें तो यहाँ पर जितने फंदे आप यहाँ छोड़ेंगे उसके आधे फंदे छोड़ने हैं। जैसे आपको 2 के मल्टीपल में इसमें फंदे लेने हैं तो जैसे आप जितने भी लें उसके आधे फंदे, जैसे मैंने ये 12 लिए हैं तो 6 छोड़ दिए। अगर आप यहाँ पर 2-2 फंदे इसी तरह से छोड़ते हुए जाए, आधे फंदे हम छोड़ेंगे और आधे फंदे इस साइड रखेंगे तो ये हमारे यहाँ पर 6 फंदे छोड़े तो यहाँ पर 3 फंदे बच गए। तो देखिए अब हम सेकंड कलर लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम ये येलो कलर लगा लेंगे। देखिए आप पट्टी को साथ में लेके चले इस तरह से साथ में, यहाँ पर जब बनाएंगे तो साथ में ले लें। येलो कलर लगा लेंगे यहाँ पर ऐसे और इसमें हमें कोई भी फंदा
नहीं बढ़ाना है, ऐसे ही हम इसे उतार लेंगे। और यहाँ पर हम दो फंदे फिर से छोड़ देंगे, ये हमें छह फंदे छोड़े थे, दो फंदे फिर छोड़ेंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे ऐसे, फिर ये फंदे उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे। देखिए फिर से हम ऐसे ही बनाना है, यहाँ पर हमें तीन फंदे रहने तक ऐसे ही बनाना है और इस ग्रीन पट्टी को हम साथ में ऐसे लेके चलेंगे। ऐसे बना लेंगे और यहाँ पर हम फिर से ये दो फंदे छोड़ेंगे और यहाँ वापस यहीं से पलट जाएंगे, फिर इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे। इसमें हमें फंदा बढ़ाना नहीं है ऐसे। देखिए फिर से हम ये रो ऐसे ही बना लेंगे। और दो फंदे ये फिर से छोड़ देंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे और इस रो को हम ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे इन तीन फंदों को ऐसे। ठीक है, देखिए ऐसे बनाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पर ग्रीन कलर लगा लेंगे ये वाला, तो यहाँ पर अब हमें फंदा घटाना है इस तरह से, हम दो का एक बना लेंगे ऐसे, दो का एक बनाएंगे। अब हमें यहाँ से दो फंदे साथ में लेके चलना है और गैप भरने के लिए हम यहाँ से एक फंदा ऐसे उठा लेंगे इस तरह से, यहाँ से एक फंदा उठाया और दो का एक बना देंगे ऐसे, दो का एक बनाएंगे और इस फंदे को बुन लेंगे, वापस यहीं से पलट जाएंगे ऐसे। ठीक है, और इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे। फिर देखिए हम इस साइड आएंगे और इस रो को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है ऐसे। देखिए यहाँ पे हम एक फंदा घटाएंगे फिर से ऐसे, इस येलो पट्टी को हम साथ में ले लेंगे ऐसे, ऊपर की साइड करेंगे और ऐसे दबा लेंगे ऐसे। ठीक है, और देखिए फिर से हम यहाँ पर दो फंदे यहाँ से ले लेंगे। देखिए इस गैप को भरने के लिए हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और यहाँ पर हम दो का एक बनाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, देखिए इस तरह से,
और आगे वाला फंदा बना लेंगे, फिर यहीं से पलट जाएंगे ऐसे, और ये पूरे फंदे उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे। एक फंदा हम यहाँ पर फिर से घटाएंगे और इस येलो पट्टी को साथ में ले लेंगे ऐसे, और इन फंदों को हम ऐसे बुन लेंगे ऐसे, और यहाँ पे इस गैप को भरने के लिए देखिए हम यहाँ पर एक फंदा उठाएंगे और इससे आगे वाले फंदे को ऐसे बना लेंगे ऐसे, ठीक है। फिर वापस यहीं से पलट जाएंगे ऐसे, और इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे। देखिए ऐसे बनाना है, ये हमारी इस तरह से कली बन के आएगी। तो देखिए अब हम येलो कलर लगाएंगे ऐसे, और येलो कलर से हम इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। हमें तीन फंदे बढ़ाए थे और तीन फंदे ही घटा देंगे, और यहाँ से हम दो फंदे साथ में मिला के चलेंगे ऐसे। तो देखिए अब हम इस पूरी रो को उल्टा बुनेंगे, तो उसके लिए हमें इसमें इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे। यहाँ पे देखिए इस गैप को भरने के लिए हम यहाँ से एक फंदा यहाँ से ऐसे उठाएंगे और यहाँ पर दो का एक बना देंगे ऐसे, और बाकी फंदे ऐसे ही उतार लेंगे। देखिए फिर से यहाँ पर एक फंदा यहाँ से उठाएंगे ऐसे, ऐसे फंदा उठाया और यहाँ पर दो का एक बना देंगे, और इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे देखिए ऐसे। अब हमें यहाँ पर इस तरह से दो धारियाँ कंप्लीट करनी है। ये हमारी यहाँ पर एक धारी जो है फंदे डालने से आई थी, और इस तरह से अब हमें यहाँ पर देखिए दो धारियाँ बनाएंगे। तो देखिए ये रो भी हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे। ऐसे उल्टा बनाएंगे इसे, इस तरह से, और वापस यहीं से मुड़ जाएंगे देखिए, और ये जो ग्रीन पट्टी है हमारी इसे साथ में ले लेंगे ऐसे दबा लेंगे। फिर देखिए इस रो को भी हम उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे, ऐसे पूरी रो हम उल्टा उल्टा बनाएंगे ऐसे। इस तरह से बन के आएगा देखिए फ्रेंड्स ऐसे। देखिए ये एक कली हमारी बन गई है। अब हम यहाँ पर सेकंड कली बनाएंगे, उसके लिए देखिए हमने यहाँ पर चार ये धारियाँ, दो धारियाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब हम यहाँ पर येलो कलर लगाएंगे, और येलो कलर लगाएंगे इस तरह से। देखिए येलो कलर लगाने से पहले यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से, लेंगे इसे और यहाँ पर फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे। फिर देखिए इस पूरी रो को उल्टा उल्टा
बुन लेंगे। मैं ये एक कली और बनाना बता रही हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर हम इस उल्टी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे। लास्ट में हम यहाँ पर दो फंदे छोड़ेंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग की थी, ये दो धारियाँ कंप्लीट करने के बाद, वैसे ही हम अब यहाँ से शुरू करेंगे इसी तरह से, ठीक है। तो देखिए फिर हम यहाँ से पलटेंगे और सभी फंदे उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ईजी है इस मैट को बनाना। आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, और इस फंदे को भी जो हमने फंदा बढ़ा था इसे भी हम ऐसे उतार लेंगे और साइड दूसरी साइड पलट जाएंगे ऐसे। और यहाँ से हम फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, तो ऐसे सिलाई के नीचे से पट्टी को घुमाएंगे और एक फंदा बढ़ा देंगे। और देखिए इस ग्रीन पट्टी को हम ऐसे ऊपर की साइड ले लेंगे, इसे साथ में लेंगे, ताकि हमारा यहाँ पर जो पट्टी है ये इस साइड देखिए बड़ी ना बचे। ये हमने हर सिलाई में इसे ऊपर की साइड लिया है ऐसे, ठीक है। तो चलिए देखिए फिर इस उल्टी रो को फिर से उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। और फिर ये दो फंदे छोड़ेंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। इस सभी फंदे उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा हमारा डोरमैट बन के आएगा, और बहुत ही इजी वे में मैं इसे आपको बनाना बताती हूँ। देखिए ऐसे ये रो उतारी और वापस यहीं से पलटेंगे, यहाँ से फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, सिलाई के नीचे से पट्टी ली और इस तरह से घुमा दिया, और यहाँ पे एक फंदा हमने बढ़ा लिया ऐसे। और देखिए इस ग्रीन पट्टी को साथ में ले लेंगे ऊपर की साइड ऐसे, बाकी सब फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। और दो फंदे हम यहाँ पर फिर से छोड़ देंगे। और यहीं से पलट जाएंगे ऐसे। और इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। ये देखिए हमारे यहाँ पर तीन फंदे बढ़ गए हैं, दो चार छह फंदे हमने यहाँ पर छोड़े, दो चार छह, ये छह फंदे हमारे यहाँ पर, आधे फंदे हमें छोड़ने हैं। जितने भी आप फंदे ले उसके आधे फंदे यहाँ पर छोड़ दें और यहाँ पर आधे फंदे रख ले। और ये मैंने आधे फंदे छोड़ने के बाद हमारे यहाँ पर तीन फंदे बढ़ गया है। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा फंदे लेंगे तो आपके यहाँ पर ज़्यादा फंदे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही बनाएंगे हम इसे। अब हम इसमें ग्रीन कलर यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम ग्रीन पट्टी लगाएंगे ऐसे। ये सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। और यहाँ पर हम दो फंदे फिर से छोड़ देंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे।
और उल्टी सिलाई हमें उल्टा उल्टा बुन लेनी है। उल्टी सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही हम इसे बना लेंगे। ऐसे देखिए, अब हमें कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है, ऐसे ही बनाना है। फिर से इस फंदे को उतारेंगे ऐसे, और देखिए इस येलो पट्टी को साथ में ले लेंगे ऐसे। और फिर से हम ये दो फंदे यहाँ पर बना लेंगे और वापिस यहीं से मुड़ जाएंगे। बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है और बहुत ईजी है इसे बनाना। अब हम इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर हमें फंदे छोड़ते हुए जाना है, तीन फंदे रहने तक हम इसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए फिर से हम दो फंदे छोड़ेंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। यहाँ पर हम तीन फंदे रहने तक इसे बनाएंगे। तो देखिए अब उल्टी सिलाई में हमें इन्हें उल्टा उल्टा ऐसे बनाएंगे। फिर देखिए हम इस रो को ऐसे ही बनाएंगे, इस येलो पट्टी को हम साथ में ले लेंगे ऐसे और ये फंदे बनाएंगे, वापस यहीं से मुड़ जाएंगे ऐसे। ये देखिए हमारे यहाँ पर तीन फंदे और इन सभी फंदों को, तीन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे। देखिए अब हमें यहाँ पर तीन फंदे हमारे बच गए हैं, हमने ये दो दो करके सभी फंदे यहाँ पर छोड़ दिए हैं। अब हम यहाँ पर इन फंदों को साथ में ले लेंगे। ये तीन फंदे थे, देखिए ये हमारा यहाँ पर गैप है, जो इस गैप को भरने के लिए ये दो दो फंदे हम यहाँ पर इसमें साथ में जोड़ लेंगे ऐसे, ठीक है। फिर वापस यहीं से मुड़ जाएंगे और ये सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पर अब हमारे पांच फंदे हो गए ऐसे। देखिए दो, तीन, चार और ये पांच, पांच फंदे लिए और यहाँ से हमें एक फंदा इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर दो का एक बनाएंगे ऐसे ऐसे, और इस फंदे को भी हम बना लेंगे ऐसे और वापस यहीं से मुड़ जाएंगे देखिए ऐसे, और इस रो को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए अब हम येलो कलर लगाएंगे यहाँ पर,
येलो कलर लगाने के बाद देखिए हम फिर से ये दो फंदे यहाँ से फंदा उठाएंगे ये गैपिंग को भरने के लिए और इसे ऐसे दो का एक बना देंगे, पीछे वाले फंदे को भी बना लेंगे। तो ऐसे ही देखिए वापस मुड़ेंगे और इस रो को बना लेंगे। देखिए फिर से देखिए ये येलो जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर हम फंदे घटाना शुरू करेंगे जैसे हमने यहाँ पर घटाए थे। तो इसी तरह से हम इन फंदों को यहाँ पर घटाते हुए इस तरह से तीन धारियाँ बना लेंगे। देखिए इसी तरह से बनाते हुए इसमें मैंने दो कली बना ली हैं। आप अब आगे की कली इसी तरह से शुरू करें, ये येलो पट्टी लगा के और इसमें तीन फंदे बढ़ाएं, फिर ये ऐसे ही बनाएं यहाँ पर, फिर तीन फंदे घटा दें। तो बहुत ही इजी है फ्रेंड्स इस मैट को बनाना। फ्रेंड्स देखिए आपको मेरी वीडियो बताने का तरीका अच्छा लगता है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू, बाय।